इलाके में है जो हमारा कदीम असासा यहाँ पर है पत्थर मस्जिद, जिसको नौ मस्जिद के नाम से उस वक्त जब 1623 में ये बनाई गई थी नौ मस्जिद के नाम से यहाँ पे जाना जाता था। लेकिन अब ये नौ मस्जिद यानी ये जो पत्थर मस्जिद है ये वक्फ के साथ साथ ASIB आसार कदीमा जिसको देखते हैं उनके तरफ से अगर हम इसमें कोई भी डेवलपमेंट का काम या कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तो उसमें वो थोड़ा सा तजाद हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपने देखा पिछले दो साल से जो वक्फ़ के ज़ेर एहतमाम चाहे वो श्राइन है चाहे वो कोई मॉस्क है, हम चाहते हैं कि वो खूब से खूबतर बने और खूबसूरत बने। इसी सिलसिले में हम आज खुद यहाँ पे आए, हमने देखा कि शहर के बीचों बीच ये जो हमारी मस्जिद है असासा है हमारा ये हिस्टोरिकल मस्जिद है, यहाँ पे जो वक्फ की तरफ से काम होना है वो हम वक्फ की तरफ से करेंगे क्योंकि ईद आने वाली है, यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मर्द ख़वातीन यहाँ पे नमाज में शामिल हो जाते हैं, उनके लिए जो फ़र्श है वो यहाँ पे आ जाएगा ईद के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कि यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं आई है। बाकी जो आसार कदीमा यहाँ पे देखता है यहाँ पे अगर हम अभी तामीरात पे ध्यान नहीं देंगे तो ये आसान नहीं। और ईद कहा मैं भी देखिए वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी है लेकिन वक्फ का पार्ट ज़्यादा है। आप खुद देखते हैं कि ईद कहा की हालत क्या है, क्या वो जगह नमाज के लायक है, वहाँ पे हमें बहुत टाइम लगेगा ईदगाह को संभालते संभालते क्योंकि हमारे लोगों ने उसकी वो शक्ल बनाई है, वो प्ले फील्ड लगता है, उसमें हमें दरकार है बहुत पैसा जो वक्फ बोर्ड के पास अभी फ़िलहाल तो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी वहाँ पे पल्पिट भी बन रहा है जिसका टेंडर भी हो गया, लेकिन हम सरकार से मैं LG साहब से खुद मिलूँगी और सरकार से कि जो स्मूदिंग है वो उसको बहुत सारा उसके में पैसा भी लगेगा और सॉइल वगैरह भी वो ठीक करने में हमें वक्त ये पैसा लगेगा और टाइम भी लगेगा। इसलिए आज मैं इस बात को नहीं दोहराऊंगी कि वहाँ पे, क्योंकि जब मैदान ही सही नहीं है तो नमाज़ कहाँ पे होगी।